सवाल तो यही है। हरियाणा के किसान अभी आंदोलन कर रहे हैं, एमएसपी मिले, एमएसपी भी नहीं दे रहे हैं। दूसरी बात ये है, पिछले समय आप याद करो 5 साल पहले मोदी जी की सरकार ने 200 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाया था धान की कीमत, और अभी कितना बढ़ाया? 7%। उसमें कितना राशि कितना हुआ? 143 रुपया। मतलब 5 साल में डीजल के भाव बढ़ गए, पेट्रोल के भाव बढ़ गए, कृषि यंत्रों के भाव बढ़ गए, रासायनिक खादों के और दवाइयों के भाव बढ़ गए, लेकिन 5 साल पहले जितना बढ़ा था उतना भी नहीं बढ़ा है। हम तो उम्मीद कर रहे थे इस समय 300 रुपये के आसपास बढ़ेंगे, क्योंकि 200 रुपये 5 साल पहले बढ़ाए थे, इस समय बढ़ेगा। लेते किसान विरोधी सरकार है, इस बात से स्पष्ट हो गया है। सर, लेकिन इसी पे गिरिराज सिंह कह रहे कि मैं रकबा बढ़ा कि घटना ही है। देखिए, 12 लाख किसान धान बेचते थे, इस साल 24 लाख किसान धान बेचे, मतलब जस्ट दुगुना, 23.5 लाख है, मतलब दुगुना। राजीव गांधी किसान न्याय योजना का लाभ 26 लाख किसान उठा रहे हैं, जिसमें कोदो, कुटकी, रागी और गन्ना, मक्का, ये जो किसान बो रहे हैं, तो करीब 26 लाख है। दूसरी बात ये है कि रकबा जो है, किसानों की संख्या दुगुनी हो गया। रकबा 22-23 लाख हेक्टेयर था पहले, अब बढ़ के 32 लाख हो गया। तो रकबा भी बढ़ा है और किसानों की संख्या में वृद्धि हुई है, और साथ ही उत्पादन में, कहाँ 57 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी होती थी, आज बढ़ के वो 107 लाख मीट्रिक टन हो गया। किसानों की संख्या में वृद्धि, दोगुना की वृद्धि, उत्पादन में दोगुना की वृद्धि और रकबा में भी वृद्धि हुई है। तो ये छत्तीसगढ़ जो मॉडल है कांग्रेस का, उससे ये रिजल्ट आया है। और हाँ जी, 2023 ने एमएसपी बढ़ाई है, सीधे तौर पर कांग्रेस को चुनौती दे रहे हैं। बिल्कुल, उस चुनौती स्वीकार करते हैं। किस मंच में आना चाहते हैं बता दें। यूपीए सरकार में कितना धान का भाव बढ़ा और एनडीए सरकार में कितने भाव बढ़ा, 10 साल उनके भी हो रहे हैं, 10 साल हमारे भी थे, उसमें कितना परसेंट एमएसपी बढ़ा और इस समय कितना बढ़ा, ये हम बात करने के तैयार हैं। उस समय डीजल के भाव क्या थे और इस समय क्या है डीजल पेट्रोल के, बिल्कुल जिस मंच में आना चाहे हमारा कोई भी कार्यकर्ता बैठ के उसे बहस कर लेगा, कोई भी किसान बात कर लेगा। एमएसपी सर आपके हिसाब से कितनी बढ़नी चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में हमने देखा कि उस दौरान में अजीत जोगी जब थे तो कांग्रेस पार्टी से बाहर रही, सरकार से बाहर रही, और जब अजीत जोगी बाहर हुए तो उन्होंने 5 सीटें भी अलग से बना ली, अब आम आदमी पार्टी थी। वही तो कह रहा हूँ, तो ठीक तो आप बोल रहे हैं, जब जोगी अंदर कांग्रेस के भीतर थे तो हम सत्ता से बाहर थे, जोगी जी जैसे बाहर हुए हम सत्ता में आ गए। तो वो रिजल्ट आया, 68 सीट, भारतीय जनता पार्टी 3 साल शासन में रहे, चौर वाले बाबा कभी 60 का आंकड़ा छू नहीं पाए थे, हम तो 68 सीट जीते और उपचुनाव उसमें 71 हो गए। और अभी किसानों का आशीर्वाद है, आदिवासियों का, महिलाओं का, युवाओं का समर्थन आशीर्वाद हमको मिल रहा है, किसान मजदूर सबका आशीर्वाद मिलेगा। देखिए ये आंकड़ा और 71 से भी बढ़ेगा। लेकिन बीजेपी पुरखों का आशीर्वाद हाँ आ गया है, तो भी याद कर रहे हैं, सम्मान यात्रा निकालने जा रहे हैं। वही तो कर रहा हूँ, अब उसके अलावा और क्या है उसके पास, किसान सम्मान तो कर नहीं सकते, मजदूरों कभी कुछ दिए ही नहीं, लघु उपज संग्राहकों को कुछ दिए नहीं, जूता चप्पल बांटते रहे, एक नंबर में एक पैर में 6 नंबर, एक में 7 नंबर, इस प्रकार से इनको तो ना पुरखौती सम्मान नहीं, बल्कि रमन सिंह जी जो मोबाइल बांटे हैं ना, जो जिनके पास बचा हो उसका सम्मान यात्रा निकालना चाहिए, जिसके पास भी 5 साल बाद बच गया है उसका सम्मान जरूर करना चाहिए। सर, शिवराज सरकार जो है मोदी मित्र 5000 मोदी मित्र के कहां मध्य प्रदेश में, शिवराज मुझे जानकारी नहीं भाई, जिसके बारे में जानकारी उसके कुछ सवाल मेरा पूरा, अच्छा पूरा कर लो भाई सवाल। 5000 मोदी मित्र बनाई, खास बात यह है कि सारे मुस्लिम समुदाय के रहेंगे, इसके बाद छत्तीसगढ़ में भी इस तरह से मोदी मित्र बनाने वाली है, मतलब चुनाव के पास आए तो मित्र बनाएंगे, और चुनाव के पहले तक के आप सांप्रदायिकता के नाम से उनको गरियाएंगे, जिहादी बनाएंगे। तो ये सब समझ रहे हैं
दस साल बहुत होता है लोगों को समझने में, तो सब समझ गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी क्या है, उसके अनुसांगिक संगठन क्या है, उसके नेता लोग क्या है। मुंह में राम बगल में छुरी हो गया। दावेदार बहुत है जैसे आप बताए कांग्रेस में, वर्तमान में विधायक हैं, उनकी स्थिति यथास्थिति रहेगी कि टिकट में कुछ उलटफेर हो सकता है? देखिए, चुनाव के समय जीतने वाले कैंडिडेट के क्राइटेरिया होते हैं, जो जीत सकता है उसको देंगे। लेकिन हमारे अधिकांश विधायकों के बहुत अच्छे रिपोर्ट हैं, कुछ हो सकते हैं जो साथी किसी कारण से, स्वास्थ्यगत कारणों से या और किसी कारण से किसी के नाराज़गी होगी, तो उसको ये 3-4 महीने हैं जिसमें यदि स्थिति सुधरती है तो फिर क्यों टिकट कटेगी। पैरासूट उम्मीदवारों की संख्या बढ़ सकती है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, क्योंकि जिस तरह से प्रवेश हो रहे हैं उसको लेकर पिछली बार बीजेपी ने ओपी चौधरी को पैरासूट था, इस बार पैरासूट भारतीय जनता पार्टी उस प्रकार से देख रहे होंगे, मैं तो नहीं कर रहा। चलो ठीक है, थैंक यू। विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद जयशंकर जी ने कहा है कि राहुल गांधी जब भी बाहर जाते हैं तो यहाँ की राजनीति और यहाँ के लोगों को कमेंट करते हैं, जयशंकर जी ने कहा। अरे इनका देखिए, बिना गांधी परिवार या सोनिया जी हो, राहुल जी उसका नाम लिए बिना इसकी राजनीति होती नहीं है। आप भैया सांसद ही छीन लिए उसे, उसका बंगला तक खाली करा लिए, अब भी आप क्यों पीछे पड़े हैं? इसका मतलब यह है कि राहुल गांधी जी जो कहते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है और सीधा उनके दिल में लगती है, चोट वहाँ लगती है और इस कारण से तिल मिला उठते हैं। थैंक यू। For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28.